बेटी बचाओ बेटी बचाओ। औरत जिसे माशरा कमजोर लाचार समझता है वो असल में एक नाजुक फूल है, जिसे माशरा बिल्कुल इस तरह समझता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं। एक औरत सन फ्लावर की तरह होती है क्योंकि सन फ्लावर जहाँ सूर्य होता है उस तरह खुश आता है। इस तरह एक औरत जहाँ उसकी माँ बाप शहरी होती है ना उस तरह खुश आती है बगैर कुछ सोचे समझे। आज कल लोग एक औरत को क्या कहते हैं, बेलुत कहते हैं, बेशरम है, ऐसी है, बच्चेदार है, बस ये यहाँ तक कि गलत निगाहों को देखते हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बस कमी हमारे खिलाफ और लड़ाइयों की है। माँ बाप की एक आंख पर रो देती है बेटियाँ, परिवार के प्रेम में खुद को भी भूल जाती है अक्सर, परिवार के प्रेम में खुद को भी भूल जाती है अक्सर, फिर भी आज घर में जान खो देती है बेटियाँ। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री मुख्य अध्यापक अध्यापक गण और मेरी प्यारी बहनों, मेरी ओर से आप सबको नम्र प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने बेटियों के बारे में कुछ बोलने के लिए खड़ी हूँ। बेटी एक ऐसा शब्द होता है जिसके बिना हर घर हर परिवार अधूरा होता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन हम सब लोग ये परिवार की जानकार से ही बेटियों को शाम माना जाता है। आज ये गांव में पहले से तो बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन आज भी समाज आज हमारा समाज जहाँ एक और बेटियों को एक बेटे के बराबर होने की बात करता है, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं। लोग कहते हैं कि बेटा होना बहुत भाग्य की बात होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि होता है तो बेटी अर्ज होती है। बेटा अगर शाल हो आल होता है तो बेटी शाल होती है, और बेटी का जीवन कितना कठिन होता है ये बेटा कभी अनुमान नहीं कर सकता। ये वो होती है जो अपने घर में भी कराई होती है, दो आगे एक्सपीरियंस करती है। कहते हैं बेटियां चिड़िया होती है पर पर नहीं होते बेटियों के, बेटियां चिड़िया होती है पर पर नहीं होते बेटियों के, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है बेटियां तो पराई हैं, मायका कहता है बेटियां तो पराई है, ससुराल कहता है ये तो पराई घर से आई है। भगवान की राह से बताओ किस घर के लिए बेटियां बनाई है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि लोग कहते हैं बेटियों का तो कोई घर नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि बेटियों के बिना कोई घर ही नहीं होता। बेटियों को हम कितना भी हक दे दें लेकिन ये समाज हमेशा उन्हें बेटों से कम ही समझेगा। पहले तो बेटियों को दुनिया पहले मार दिया जाता है, अगर फिर भी वो दुनिया में आ जाए तो उन्हें समाज के तानों से, घर की इज्जत के डर से, दूसरे घर में जाने के डर से ही मार दिया जाता है। समाज में बेटियों के प्रति हो रहे इस दुष्व्यवहार को रोकने की जरूरत है, उन्हें भी पढ़ने का हक है, कृपया ये हक उनसे मत छीनिए। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाए तभी समाज में बदलाव हो सकता है, इसलिए इस धरती पर दोष नहीं है बेटियाँ, बेटा घर का कुल दीपक है तो घर की रोशनी है बेटियाँ, इस धरती पर दोष नहीं है बेटियाँ, बेटा घर का वंशज है तो दो परिवारों की दौर है बेटियाँ, इस धरती पर दोष नहीं है बेटियाँ, बेटा घर की ताकत है तो घर का सहारा है बेटियाँ, इस धरती पर दोष नहीं है बेटियाँ, बेटा आंखों का तारा है तो आंखों की पलक है बेटियाँ, इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियाँ, बेटा घर की हिम्मत है तो घर की मुस्कान है बेटियाँ, इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियाँ। बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और मरने का है उसे हम इस दुनिया की रौनक है और हाँ हमसे ही दुनिया जन्नत है। एक सेकंड करते हैं कि अल्लाह अगर आप किससे और खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अदा करते हैं, तो मेरा प्यारा रब जो
बेटी को कलम चलाना तो सब सिखाते हैं, तलवार बचाओ, चलाना सीखो, अपनी रक्षा खुद कर सके ऐसा बनाओ। न्यूज़ देखने में डर लगता है, बेटी के साथ गलत हो रहा है, ये सुन के दुख होता है। क्यों बता करती हूँ मगर वहीं तक सीमित नहीं रहना मुझे, करना मैं चाहूँ नौकरी तो हद से है सबको कहना मुझे। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं सोच से आगे जाऊँ, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं सोच से आगे जाऊंगी, तुम तोड़ो तो जंजीर मेरी में जब मैं नाम कमाऊँ। रास्तों के कंकर कांटे पार करके आगे बढ़ सकती हूँ मैं, रास्तों के कंकर कांटे पार करके आगे बढ़ सकती हूँ मैं, लड़की हूँ पर लड़ सकती हूँ मैं। हाँ लड़की हूँ, मैं भी एक औरत थी, मैं भी एक लड़की थी, मैं भी एक बेटी थी जिससे पहली बार मुझे सुनंजी में छुआ है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बेटियाँ बेटों से आगे नहीं हो सकती, क्यों? एक बार जब हमने बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा समझता है, लेकिन एक बेटी अपने बाप की इज्जत के लिए, अपने बाप की शान के लिए अपनी जान पांव पे लगा सकती है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि बेटियां कभी बेटों से आगे नहीं हो सकती, क्यों? आखिर मैं तो एक लड़की थी जिसके पांव में बड़ी बड़ी ऑफिसर बने हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्टर बने हैं, अगर उनके माँ बाप उन्हें इसी नजरिए से देखते तो आज हमारे देश में कोई भी लड़की पढ़ी लिखी ना होती, सब अनपढ़ जाहिल गवार होते, फिर भी आज आप बोल रही कि बेटियां कभी बेटों से आगे नहीं हो सकती, क्यों? और हम सबको इस क्यों को अपने माशरे से खत्म करना होगा, हमें बेटियों को अपने दुनिया में आने देना होगा, उनके ख्वाब को पूरे करने देना होगा, क्योंकि कल है तो कल है। और लास्ट में हम आपके सामने एक छोटी सी कविता है बेटी के बारे में जो बोलना चाहें कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती हैं। मुंह पे ताला लगा के हंसती है, दर्द सारे दबा के हंसती है, बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है। तो मेरे पापा ने बहुत ही शर्म लगी थी सारी दुनिया में, शर्म लगी थी सारी दुनिया में, मुझे वो एक शब्द में लिखो, अगर समझ आए तो फिर मेरे लिए नहीं तो हर लड़की के लिए ताली बजाना। इसका मॉडलिंग ये है